धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में पिछले दिनों छत छाया में हुए सिलेंडर ब्लास्ट मामले के बाद से सबक लेते हुए अब जिला प्रशासन द्वारा पीथमपुर एवं पीथमपुर क्षेत्र में 30 सीलिंग पैनल बनाकर 5 किग्रा व 2 किग्रा क्षमता वाले गैस सिलेंडरों की बिक्री प्रारंभ करवाए। योजक चिन्ह डॉट जानकारी देते हुए SDM शाश्वत शर्मा ने बताया कि विगत दिवस में पीथमपुर में हुई गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की समीक्षा करने पर पाया गया कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहां मजदूर वर्ग ज्यादा निवास करते हैं, जो मजदूर अपनी जरूरत के हिसाब से अनाधिकृत स्थान से गैस रिफिल करवाते हैं, जिससे घटना होने की संभावना बनी रहती है। उप क्षेत्र में 5 किग्रा व 2 किग्रा गैस सिलेंडरों की अत्यधिक मांग रहती है। मजदूरों की सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पीथमपुर एवं घाटा बिल्लौद क्षेत्र में हिंदुस्तान पेट्रोलियम तथा भारत पेट्रोलियम गैस कंपनी के सहयोग से कंपनी द्वारा पीथमपुर एवं घाटा बिल्लौद क्षेत्र में संचालित गैस एजेंसियों के अतिरिक्त पीथमपुर में 30 सीलिंग पैनल बनाकर 5 किग्रा व 2 किग्रा क्षमता वाले छोटे गैस सिलेंडरों की बिक्री प्रारंभ करवाई गई है, जिसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया बैनर एवं नगरपालिका के वाहनों से अनाउंस करवाकर किया जा रहा है। 5 किग्रा वाले गैस सिलेंडर की रिफिल कीमत 507 रुपए तथा 2 किग्रा क्षमता वाले छोटे गैस सिलेंडर की रिफिल कीमत 240 रुपए निर्धारित है। इस संबंध में कलेक्टर प्रियंत मिश्रा ने ऐसे जरूरतमंद उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि संबंधित गैस एजेंसी एवं अधिकृत 30 सीलिंग पैनल से गैस सिलेंडर क्रय करें, ताकि किसी प्रकार की कोई आगजनी जैसी घटना घटित न हो। कामिल मेहर की रिपोर्ट। देखिए, आपको जानकारी है कि छत्रछाया कॉलोनी में विगत दिनों एक बड़ी अग्नि दुर्घटना हुई थी और उसका कारण था अवैध तरीके से LPG के जो घरों में सप्लाई होने वाले सिलेंडर से छोटे छोटे 1 किलो के सिलेंडर्स की रिफिलिंग करना, जिसमें हादसा हुआ था। सबसे पहले तो हमने ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको पता है कि पीथमपुर में पिछले दिनों में सघन अभियान चला के अभी 6 FIR हो चुकी है ऐसे लोगों के खिलाफ अलग अलग क्षेत्रों में। साथ ही साथ यहाँ जब हमने सर्वे किया तो पता लगा बहुत से मजदूर गरीब वर्ग के परिवार निवास करते हैं, जिनके पास एक मुश्त इतने पैसे नहीं होते कि वो 800 रुपये का बड़ा 14 kg का सिलेंडर ले और उसके लिए जो सिक्योरिटी मनी है 6,500 रुपये की वो जमा कर सके। तो फिर एक इनिशिएटिव लेकर के जो खाद्य विभाग है उनको आगे करके और HPCL BPCL कंपनियों से बात करके जो कि ये गैस सप्लाई करते हैं उनसे बात की गई और पीथमपुर में हमने 30 ऐसे सेंटर ऑथराइज वैध सेंटर खोले हैं, इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, जहाँ पे 240 रुपए में 2 किलोग्राम का सिलेंडर कंपनी भर के दे और किसी सुरक्षा निधि जो है वो केवल 630 रुपए है, वो रिफंडेबल है। आप आएँ, जैसे कि एक तरीके से हम पेट्रोल लेते हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल 200 रुपए का पेट्रोल दे दीजिए तो मिल जाता है आपको, लेकिन मिलता है पंप से ही। इसी प्रकार ऑथराइज गैस एजेंसी आपको इन पॉइंट से आपको 2 लीटर का सिलेंडर दे रही है, तो कितनी अच्छी बात है। लोगों को जो है वो आपको सिलेंडर भी मिल रहा है, वैधानिक तरीके से मिल रहा है और आपकी जान माल की भी सुरक्षा है। अभी विगत दिनों छत्रछाया में एक दुखद दुर्घटना हो गई थी। गैस रिफिलिंग में कुछ लोग इन्वॉल्व थे, उनके घर में सिलेंडर फटने से काफ़ी नुकसान हो गया था। इसके बाद सघन जांच की गई है पूरे पीथमपुर में खाद्य विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस के द्वारा। हम लोग अभी तक ऐसे अवैध रूप से रिफिलिंग करने वालों के विरुद्ध 6 FIR दर्ज करवा चुके हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत और हमारा ये अभियान निरंतर जारी है। पीथमपुर में ये देखने में आ रहा था कि यहाँ पे सामाजिक आर्थिक रूप से थोड़े पिछड़े हुए लोग रहते हैं, जिनकी क्रय शक्ति थोड़ी कम है। इसके लिए आदरणीय कलेक्टर साहब, DSO साहब एवं SDM साहब के निर्देश के उपरांत हम लोगों ने 2 किलोग्राम के ऐसे सिलेंडरों का प्रबंध किया है जो कि शासन के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार हैं और ये सिलेंडर उपयोग करने में सुरक्षित भी हैं। इन सिलेंडरों के विक्रय के लिए हमारे यहाँ पीथमपुर में 3 गैस एजेंसियाँ हैं, शीतल गैस एजेंसी है, गंगा गैस एजेंसी है और विनय गैस एजेंसी है। इन पर ये सिलेंडर अभी उपलब्ध हैं और ये सिलेंडर हमारे 31 वार्ड जो पीथमपुर में हैं उसमें हम लोगों ने ऐसी 30 जगह चिन्हित करी हैं
जहाँ पे भी हमने ये 2 किलोग्राम के सिलेंडर रखवाए हैं। इन सिलेंडरों को कोई भी उपभोक्ता ले सकता है। पहली बार जब वो सिलेंडर लेगा तो इसकी कीमत करीब 560 रुपये रहेगी, और जब वो दूसरी बार उसी सिलेंडर को रिफ़िल कराने आएगा तो 240 रुपये में उसको वो सिलेंडर मिल जाएगा। इस प्रकार लगभग 120 रुपये किलो वो गैस उसको पड़ेगी, जिससे वो सुरक्षित अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता है जिसका उपयोग करके, और ख़ुद भी सुरक्षा में रह सकता है और शासन के निर्देशों का पालन भी कर सकता है। अविनाश जैन, JSO पीथमपुर। Subscribe now to most exciting channel ever.